हेलो बच्चों, मेरा नाम गुलजार। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये बोल रहा है कि जब हमने आपको नंबर दिए हैं, इन नंबर्स का क्या करो, आप एलसीएम और एचसीएफ निकालो। क्या निकालो? वो बोल रहा है कि इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालो, और निकालने के बाद में एलसीएम का और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो, और जो नंबर थे आपके, जैसे कि मैं समझ रहा हूँ कि मैंने 26 और 91 लिया है, तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई कर दो और बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। अगर दोनों इक्वल है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, अगर नहीं तो फॉल्स होगा। ठीक है, हमें चेक करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ, 26 और 91 वाला। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा क्या, एलसीएम और एचसीएफ। तो हमें चाहिए क्या, इनके फैक्टर्स चाहिए। तो ये 26 के हम निकालते हैं पहले फैक्टर्स, 26 या निकालूंगा मैं 91 का। तो 13 दूना 26, 2 कम 2, 13 सती 91, 7 एकम 7। तो 26 के आए फैक्टर्स क्या, 2 और 13। 91 के आए हैं क्या, 7 मल्टीप्लाई में 13। ये इनके फैक्टर्स हो गए। तो इन दोनों का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, ये होता क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन दोनों में से सबसे हाईएस्ट और कॉमन फैक्टर कौन सा है, यहाँ पर 13 है। क्या है, 13। ये कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है, तो ये बन जाएगा HCF। अगर आपको LCM और HCF निकालना नहीं आता है तो मैंने पुरानी वीडियो डाली है, बेसिक ऑफ 1.1 में जाकर आप देख सकते हो। हम देखने वाले हैं LCM। हम क्या करते हैं LCM निकालने के लिए, जो कॉमन नंबर रहता है उसे वन टाइम लिखते हैं, 13 मैंने लिख दिया। अब जो हमारे बचे हुए नंबर है, कौन बचा हुआ है, 2 और 7, इसको लिख दो एज इट इज। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारा फाइनल LCM, यह आएगा 182। तो हमें क्या होगा, हमें LCM और HCF मिल चुका है। कितना LCM हमारा 182 और HCF हमारा कितना 13। हमें क्या करना है, जो हमारा था स्टेटमेंट ये वाला, इसमें इनकी वैल्यू रखना है और चेक करना है। तो 182 मल्टीप्लाई में क्या होगा 13 इज इक्वल टू 26 और 91। जब हम 13 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा कितना 2366, और जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा 2366। इसका मतलब क्या है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और हमारे LCM और HCF भी बिल्कुल सही निकले हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला करने वाले हैं। यहाँ हमें 510 और 92 का LCM निकालना है और HCF निकालना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ 510 के फैक्टर्स क्या होंगे। सो डिवाइड कर दो 5 से, 5 0 और 5 2 10। ठीक है, ये हो गया। अब 2 से जाएगा, 2 5 10, 2 1 2। अब 17 से जाएगा, 17 3 51, 3 1 3। तो 510 के आए हैं क्या फैक्टर्स, 2 3 5 17। मैंने इन सबको जमा के लिख लिया है, 510 के आ गए। अब मुझे निकालना है किसके, 92 के।
आखिरी में टू है, मतलब इवन नंबर, तो इवन नंबर चल जाएगा। तो टू फोर जा एट, बचा कितना वन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, फिर से करो, दो से दो दूना चार, बचा कितना एक, नहीं दो दूना चार, कोई नहीं बचा, दो या छ, 23 एकम 23, तो 92 का कितना आया, 2 मल्टीप्लाई में 2, और ये 23, ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं दोनों नंबर्स के। अब यहां से शुरू होती है मेन कहानी, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की। तो हम पहले निकालने वाले हैं क्या, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें देखना है इस वाले फैक्टर्स के अंदर और इस वाले फैक्टर्स में कौन कॉमन है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ओनली टू कॉमन है, ठीक है, जोड़ा बन रहा है, इनका पेयर बन रहा है दोनों नंबर्स में टू का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा टू। अब हमें निकालना है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ये होता है कि जो आपने एचसीएफ निकाला है, जो कॉमन नंबर निकाला है, इसको एक बार लिख लो और बाकी जितने भी नंबर रिमेनिंग है बचे हुए उनको लिख लो। तो पहले मैं लिखने वाला हूँ इसके नंबर्स को, रिमेनिंग को, ये मैंने लिखा है टू इन दोनों का यहाँ पर। अब ये 3 5 17, अब बचे किसके, इसके नंबर, तो लिख दो यहाँ पर 2 और 23। काफ़ी बड़ा एलसीएम आने वाला है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेटर, आप कर लेना मल्टीप्लाई। तो एचसीएफ तो मुझे मिला कितना, मेरा 2 मिला था, और एलसीएम कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, 2 3 4 6 0, ये आया मेरा फाइनल एलसीएम। मुझे करना क्या है, जो स्टेटमेंट है इसमें वैल्यू पुट करना है, तो क्या होगा इसका, 2 3 4 6 0, ये मेरा एलसीएम हो गया, मल्टीप्लाई में एचसीएफ मतलब 2 इक्वल टू 510, और ये 92। जब आप 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा, यह आएगा 46920 इक्वल टू, ये भी इतना ही आएगा 46920। इसका मतलब क्या है, जो आपने निकाला है एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। थैंक यू। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है।